क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे ऑल इन वन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल के नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। दोस्तों, अगर आप भी ऋषभ पंत को भारतीय टीम का एक बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक एक बार जरूर करते हुए चाहे। दोस्तों, आप सभी को तो बताई है भारतीय टीम निकल पड़ी है साउथ अफ्रीका के दौरे के लिए, जहां भारतीय टीम पूरे साउथ अफ्रीका का टूर करने वाली है और इस टूर में पहला श्रृंखला खेले जाने वाली है टेस्ट सीरीज की। दोस्तों, पहला टेस्ट मुकाबला भारत बनाम साउथ अफ्रीका के बीच में शुरू होगा संडे के दिन 26 दिसंबर को, वो भी दोपहर 1:30 बजे। जी हाँ दोस्तों, वो साउथ अफ्रीका के टाइम के हिसाब से वहां मुकाबला शुरू होगा और लाइव प्रसारण हमें भारतीय टीम की तरफ से देखने को मिलेगा भारत में 1:30 पर दोपहर में। दोस्तों, अगर वेन्यू की बात करें तो ये मुकाबला खेला जाने वाला सुपर स्पोर्ट्स पार्क सेंचुरियन के मैदान पर, जो कि 22,000 लोगों की कैपेसिटी का मैदान है। दोस्तों, इस मैदान पर भारतीय टीम जमकर प्रैक्टिस कर रही है। सभी खिलाड़ियों की कुछ तस्वीरें आई हैं, कुछ वीडियोस आए हैं बल्लेबाजी करते हुए। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे पूरी हाईलाइट भारतीय टीम की, जो भारतीय टीम ने पहले टेस्ट मुकाबले के पहले दिन खेली है। दोस्तों, प्रियांक बंसल जो कि एक नए बल्लेबाज है, इनकी बल्लेबाजी को राहुल द्रविड़ खुद नजरअंदाज कर रहे हैं क्योंकि ये युवा बल्लेबाज है और साउथ अफ्रीका के गेंदबाज काफी घातक है। ऐसे में इनके बाद बल्लेबाजी के ऊपर भारतीय टीम की नजर है चेतेश्वर पुजारा की, ये एक तूफानी बल्लेबाज है भारतीय टीम के लिए। उनके बाद अब बात आती है कप्तान कोहली के फॉर्म की, जो वो तूफानी नेट्स में प्रैक्टिस कर रहे हैं। दोस्तों, साउथ अफ्रीका की बात करें तो ककिस और रबाडा सबसे ज्यादा खतरनाक गेंदबाज माने जा रहे हैं साउथ अफ्रीका के, तो वहीं भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली के पास भी कई सारे ऑप्शन है भारतीय टीम की गेंदबाजी में। दोस्तों, आप सभी को बता दें, जहां इनके पास रबाडा है तो हमारे पास जसप्रीत बुमराह है और उनके साथ है मोहम्मद सिराज जो की तूफानी गेंदबाज है। ऐसे में भारतीय टीम का पलड़ा काफी ज्यादा भारी होने वाला है पहले टेस्ट मुकाबले के पहले दिन। आइए बल्लेबाजी की बात कर लेते हैं। दोस्तों, बल्लेबाजी में भी काफी तूफानी बल्लेबाज हैं जैसे कि ऋषभ पंत, और इनके सामने अगर लुंगी निगड़ी गेंदबाजी करने आएंगे तो ये तूफानों का, एक तरफ रविचंद्रन अश्विन और मोहम्मद शामी भी हैं तो काफी ज्यादा गेंदबाजी भी घातक है। ऐसे में रबाडा के सामने ऋषभ पंत तो उनके साथ केएल राहुल भी भारतीय टीम में शामिल है। दोस्तों, आप सभी को बता दें भारतीय टीम की गेंदबाजी हद से ज्यादा मजबूत है और भारतीय टीम की बल्लेबाजी भी बेहतरीन नजर आ रही है। ऐसे में देखना ये होगा कि कौन सी टीम पहला टेस्ट मुकाबला जीत पाएगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है कौन सी टीम पहला टेस्ट मुकाबला जीत पाएगी, इसको जो हम इकोनॉमिक बार जरूर बताते हुए जाएं और ये वीडियो संयोजक दिल से लाइक। दोस्तों, आप सभी को तो बताई है भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में जल्दी शुरू होने वाला है पहला टेस्ट मुकाबला, जिसके लिए भारतीय टीम पूरी तैयारी में नजर आ रही है। दोस्तों, आज हम आपको एक्सक्लूसिव हाइलाइट्स बताएंगे जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। दोस्तों, सबसे पहले आइए आपको ले चलते हैं ग्राउंड पर, जहां भारतीय टीम तूफानी ट्रिक से प्रैक्टिस कर रही है। दोस्तों, सबसे पहले फोटो आई है राहुल द्रविड़ की, इन्होंने सभी प्लेयरों को फील्डिंग पर बुलाया। सबसे पहले टेस्ट लिया गया विराट कोहली का, जिन्होंने नेट्स में प्रैक्टिस की। उनके बाद दूसरे बल्लेबाज की बात करें तो ये है केएल राहुल, इनका नेट्स में शॉर्ट सेक्शन हुआ। ऐसे में उनके बाद बल्लेबाजी की बात आई पुजारा की, ये टेस्ट में फेल हो गए, जैसे कि आप पीछे स्टंप्स पर देख सकते हैं कि बेल उड़ गई थी। ऐसे में उनके बाद अजिंक्य रहाणे ने अपना शॉर्ट सिलेक्शन बताया और वो पास हो गए। ऐसे में उनके बाद बल्लेबाजी करने आए मयंक अग्रवाल, ये भी बल्लेबाजी में फेल हो गए। राहुल द्रविड़ ने इनको भी फेल कर दिया। उनके बाद ऋषभ पंत आए बल्लेबाजी करने के लिए, हमेशा की तरह अपने आक्रामक अंदाज से पूरे मार्क्स लेकर चले गए ऋषभ पंत अपनी तूफानी बल्लेबाजी से नेट सेशन में। उसके बाद बल्लेबाजी की बात आई श्रेयस अय्यर की, इन्होंने भी पास का खिताब अपने नाम किया अपनी तूफानी बल्लेबाजी से। ऐसे में उनके बाद एक अनोखा खिलाड़ी मैदान पर नजर आया जिसका नाम था हनुमा विहारी। ऐसे में भारतीय टीम के बल्लेबाजों में से 4 बल्लेबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया, जिनका नाम था कोहली, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर। हालांकि पुजारा ज्यादा मार्क्स नहीं ले पाए। उनके बाद राहुल द्रविड़ ने बॉलिंग टीम को बुलाया और यहां से पूरा खेल पलट दिया। दोस्तों, सबसे पहले जसप्रीत बुमराह ने सिंगल विकेट उड़ाने का चैलेंज पूरा किया। उन्होंने एक ही गेंद से एक ही बेल को उड़ाने में पूरी तरह से मार्क्स हासिल किए और वो इस चीज में माहिर है। ऐसे में जसप्रीत बुमराह के बाद नंबर आया ईशान शर्मा का। दोस्तों, ये टेस्ट में फेल हो गए। जी हां दोस्तों, अपनी गेंद से बेल्स को नहीं उड़ा पाए। ऐसे में ईशान शर्मा इस टेस्ट में फेल हो गए। अब अगले गेंदबाज की बारी थी। दूसरा गेंदबाज था और कोई नहीं, मोहम्मद शामी। दोस्तों, मोहम्मद शामी ने वही काम किया जो वो पहले किया करते थे। उन्होंने एक ही गेंद से दे मारी बेल्स को और ये भी टेस्ट में पास हो गए। ऐसे में इनके बाद नंबर आया स्पिनर रविचंद्रन अश्विन का और राहुल द्रविड़ ने इनका जमकर टेस्ट लिया। दोस्तों, आप सभी को बता दें रविचंद्रन अश्विन की गेंदबाजी कारगर साबित नहीं हुई। ऐसा लग रहा है कि साउथ अफ्रीका उनको ज्यादा साथ नहीं देने वाला है। इसी के साथ राहुल द्रविड़ के चैलेंज यहां पर पूरे हुए। 3 गेंदबाज और 3 बल्लेबाज इस टेस्ट में पास हो गए। ऐसे में अब देखना यह होगा कि कौन सी प्लेइंग 11 साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में उतरती है। दोस्तों, युवराज सिंह के लिए आ रही है सबसे बड़ी खबर और आईपीएल के लिए भी काफी बड़ी खबर आ रही है। दोस्तों, आप सभी को तो बताई है आईपीएल 2022 में मेगा ऑक्शन होने वाला है, जिसके लिए सभी खिलाड़ी तैयार हैं हथौड़े के नीचे आने के लिए। दोस्तों, इस पैसे से भरे ऑक्शन में कई खिलाड़ी नीलाम होंगे, सभी के ऊपर करोड़ों रुपए में बोली लगने वाली है। दोस्तों, इसी के लिए एक नई टीम भी आने वाली है। आई
IPL 2022 में। दोस्तों इस टीम का नाम है लखनवी टीम। जी हाँ दोस्तों, लखनऊ की टीम से आ रही है। इस टीम ने आज अपना पहला कोच चुन लिया है जिसका नाम है एंडी फ्लावर। जी हाँ दोस्तों, इनका नाम है एंडी फ्लावर। अगर इनकी हिस्ट्री और रिकॉर्ड की बात करें तो ये है जिम्बाब्वे के कोच। जी हाँ दोस्तों, ये जिम्बाब्वे की टीम को लीड करते थे। ऐसे में अब लखनवी टीम ने अप्रोच किया है एंडी फ्लावर को और ये हेड कोच होंगे लखनऊ की टीम के। अब कप्तान की बात कर लेते हैं। दोस्तों सूत्रों से पता चल रहा है कि कमाल लाजवाब राहुल को शामिल कर लिया है लखनऊ की टीम ने और अपने कप्तान बनने का भी प्रस्ताव रखा है। जी हाँ दोस्तों, अपनी लखनवी टीम का कप्तान चुना गया है केएल राहुल को, क्योंकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है पंजाब किंग्स से और पंजाब किंग्स की तरफ से खेलते नजर नहीं आएंगे। दोस्तों लखनवी टीम के ड्राफ्ट तीन प्लेयर है जिनका नाम है केएल राहुल, श्रेयस अय्यर और राशिद खान। जी हाँ दोस्तों, तीन छह खिलाड़ी नजर में लखनवी टीम के आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन से पहले। ऐसे में अभी तक लखनवी टीम की तरफ से चार बढ़िया अपडेट आ रही हैं। इनके हेड कोच हैं एंड्रयू फ्लावर और कप्तान हैं केएल राहुल और मध्यक्रम के बल्लेबाज होंगे श्रेयस अय्यर और गेंदबाज में होंगे राशिद खान। ऐसे में बाकी की टीम चुनी जाएगी आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन में। दोस्तों देखना यह होगा कि कौन सी टीम अब सबसे ज्यादा मजबूत होती है। सभी टीमें अपने अपने पैसे लेकर उतरने वाली है मेगा ऑक्शन आईपीएल 2022 में जो जनवरी में होगा। दोस्तों आप सभी को बता दें, इस मेगा ऑक्शन में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। ऐसे में देखना यह होगा कि कौन सा बड़ा खिलाड़ी कौन सी टीम में जाता है। दोस्तों आपको क्या लगता है, युवराज सिंह को कौन सी टीम में जाना चाहिए? इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों आप सभी को तो पता ही है, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में दौरा होने वाला है जहां भारतीय टीम जाने वाली है टूर पर साउथ अफ्रीका में और वहीं टूर्नामेंट खेलेगी। दोस्तों आप सभी को बता दें, सीरीज में T20 शामिल है, ODI शामिल है और टेस्ट श्रृंखला भी शामिल है। ऐसे में तीनों ही फॉर्मेट भारतीय टीम खेलने वाली है साउथ अफ्रीका के खिलाफ। दोस्तों इस मुकाबले का पहला टेस्ट मुकाबला शुरू होगा 26 दिसंबर से। ऐसे में दोस्तों आप सभी को बता दें, भारतीय टीम की ODI की टीम काफी ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। लेकिन दोस्तों से पहले आपको क्या लगता है, क्या पहला टेस्ट मुकाबला भारतीय टीम जीत पाएगी या नहीं? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों आप सभी को बता दें, BCCI ने घोषित किया था कि भारतीय टीम ODI दौरे के लिए उतरेगी साउथ अफ्रीका के खिलाफ। लेकिन उससे पहले विराट कोहली की टीम में कप्तानी कर रहे टेस्ट फॉर्मेट में विराट कोहली कप्तानी करेंगे और पहले टेस्ट मुकाबला खेला जाएगा। ऐसे में पहले टेस्ट सीरीज खेली जाएगी इस दौरे की जो 26 दिसंबर से शुरू होगी। ऐसे में दोस्तों आप सभी को बता दें, इससे पहले ही इस दौरे से पहले भारतीय टीम को कुछ दिन पहले काफी बड़ा झटका लग चुका है। जी हां दोस्तों, एक तूफानी बल्लेबाज की मृत्यु हो गई है इस दुनिया से। ऐसे में इस दौरे को लेकर काफी ज्यादा न्यूज में चर्चा चल रही थी कप्तानों को लेकर, लेकिन वो अलग बात है। दोस्तों आप सभी को बता दें, इस तूफानी खिलाड़ी की मृत्यु हो गई है। दोस्तों ये है चेतन चौहान। इन्होंने भारतीय टीम के लिए काफी बेहतरीन बल्लेबाजी की थी इन 80s में। जी हां दोस्तों, पहले के वक्त ये एक फॉर्मर बल्लेबाज थे भारतीय टीम के, जो भारतीय टीम के लिए 40 टेस्ट मुकाबले खेल चुके हैं। ऐसे में इनका करियर टेस्ट में काफी ज्यादा बेहतरीन रहा था। दोस्तों ये एक काफी बुरी खबर है, लेकिन हम आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि क्रिकेट जगत की सभी छोटी सी बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे में दोस्तों आप सभी को बता दें, इसी चीज से उभर कर भारतीय टीम पहुंचने वाली है साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहला टेस्ट मुकाबला खेलने के लिए, जो पूरी तरह से कंफर्म हो चुका है। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम पहला टेस्ट मुकाबला जीत पाएगी या नहीं? इसका जो हमें कमेंट बॉक्स जरूर बताते हुए जाएं। और ये वीडियो सही हो तो दिल से लाइक करें और सीक्रेट खबरें मत सब्सक्राइब करें। जल्दी धन्यवाद। दोस्तों कुछ समय से BCCI विराट कोहली के बीच में अनबन चल रही है। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं, पिछले कुछ ही दिनों में भारतीय टीम की कप्तानी को लेकर सौरव गांगुली काफी ज्यादा चर्चे में चल रहे हैं, जहां ODI की कप्तानी BCCI ने थमाई है विराट कोहली से छीन कर रोहित शर्मा को। ऐसे में दोस्तों सभी को बता दें, BCCI के ऊपर अनगिनत सवाल उठ रहे हैं, अनगिनत उंगलियां उठ रही हैं। इसी के लिए आज रोहित शर्मा के बाद विराट कोहली की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें उन्होंने अपना बड़ा बयान दिया है सौरव गांगुली और BCCI के खिलाफ, जिसे सुन पूरी दुनिया चौंक जाएगी। जी हां दोस्तों, विराट कोहली ने अपनी बात रखी है और इस बात को सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सबसे पहले एक इंटरव्यूअर ने विराट कोहली की कप्तानी के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि T20 की कप्तानी मुझे किसी ने नहीं कहा कि मैं ना छोड़ू, मुझे किसी ने भी ये नहीं कहा कि मैं T20 की कप्तानी ना छोड़ू। तो ऐसे में उसके बाद अगर हम पिछले बयान के सौरव गांगुली के बयान को उठाकर देखें, तो सौरव गांगुली ने कहा था, मैं पर्सनली रिक्वेस्ट किया था विराट कोहली से कि वो T20 की कप्तानी ना छोड़े। ऐसे में विराट कोहली ने साफ इनकार कर दिया इस बात से। सीधे तरीके से उनकी बात ये साबित करती है कि सौरव गांगुली ने BCCI की तरफ से झूठ कहा। सौरव गांगुली ने झूठ कहा कि उन्होंने कहा विराट कोहली को कि वो T20 की कप्तानी ना छोड़े। ऐसे में विराट कोहली ने खुद कहा कि मुझे किसी ने नहीं कहा कि मैं T20 की कप्तानी ना छोड़ो, ये सिर्फ एक अफवाह है। उसके बाद उन्होंने ODI की कप्तानी के बारे में भी कहा। दोस्तों उन्होंने कहा कि जी हां, हमने ICC टूर्नामेंट 4 तक नहीं जीता है और मैं समझ सकता हूं मुझे कप्तानी से क्यों हटाया गया है, इसके पीछे क्या लॉजिक है। साफ साफ शब्दों में कप्तान विराट कोहली ने
दावा बोला बीसीसीआई और उनकी मैनेजमेंट के ऊपर। ऐसे में दूसरा सभी को बता दे, अब ऐसा लग रहा है कि घमासान लड़ाई छिड़ गई है विराट कोहली और बीसीसीआई की मीटिंग में। अब देखना ये होगा कि इन दोनों ही चीजों में जीत किसकी होती है। एक तरफ विराट कोहली नाराज है कि उन्हें बिना बताए सिर्फ 1.5 घंटे पहले विराट कोहली को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था कि वो अपनी ओडीआई की कप्तानी से इस्तीफा दे, तो वहीं सौरभ गांगुली कह रहे हैं कि उन्हें 4 घंटे पहले इन्फॉर्म किया गया था। ऐसे में अब कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है ये आने वाले समय में जरूर पता चलेगा। दोस्तों आपको क्या लगता है कौन से खिलाड़ी को कप्तान बनाना चाहिए था, इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स जरूर बताते हुए जाएं। और वीडियो सही हो तो दिल से लाइक करें और सीक्रेट की खबरें मचा